हेलो गाइस। सो जैसा कि अभी रिसेंटली IBPS RRB PO के जो प्रीलिम्स है उसका जो पेपर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, जैसा कि 1 अगस्त का हो चुका है, 7 अगस्त का बाकी है। तो मैं मेल और मैसेजेस चेक कर रहा था, तो उसमें से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि IBPS PO का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है और उसकी वैकेंसीज कितनी क्या रह सकती है। तो IBPS PO के जो नोटिफिकेशन की बात करूँ तो 15 अगस्त के बाद कभी भी रिलीज़ किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि उसकी जो प्रीलिम्स है वो अक्टूबर के 1st और 2nd वीक में ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। तो जो उसका नोटिफिकेशन है वो जो अगर 15 अगस्त के बाद कभी भी रिलीज़ हो सकता है। और उसकी वैकेंसीज़ की बात करें तो इनिशियली मुझे लग रहा है वैकेंसीज़ 1500 से लेकर 2000 के अप्रॉक्स रहने वाली है, और ये वैकेंसीज 3000 के अप्रॉक्स तक फाइनल रिजल्ट तक जा सकती है, उससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि जैसा कि आपको पता है मर्जर प्लान हुआ है अभी रिसेंटली और काफ़ी सारे बैंकों को अभी प्राइवेटाइजेशन का बात चल रही है, तो उसको लेकर भी काफ़ी जो बैंक्स है वो वैकेंसीज रिलीज़ करने में कतरा रहे हैं। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन, और जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन लगती है मुझे वैकेंसीज को लेकर IBPS PO के, तो आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ऑन चैनल बैंकिंग स्पार्टनर। थैंक यू।